न्यूक्लियर पावर प्लांट सिविलियन एयरपोर्ट आजी पुणी आउ एक ऑयल डिपो गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि गुड़ी मिसाइल रे उड़ाई यूक्रेन को विभिन्न दिगरु दुर्बल करिबारे लगी रूस सते कि शत्रुर शिरच्छेद पूर्वरु पक्षच्छेदन करुछंती पुतिन ये लुहान्स तैल भंडार रे रूस रो टोचका यू मिसाइल माड़ परे भयंकर अग्निकाण्डर दृश्य माइकोलेव सहर रे भी रूसीय क्षेपणास्त्र तांडव रचिछि विशेषकर एवं यूक्रेन रो उत्तर दक्षिण और केन्द्रांचल सहरगुड़िक बोमा वर्षा चली गतकाल आठटी रूसीय मिसाइल माड़ पर ध्वंस होता केन्द्रीय यूक्रेन में विनिसिया बेसामरिक विमान बंदर एथिरे 9 जनों मृत्यु हो 12 दिन युद्ध में रूस यूक्रेन 2119 सैन्य को मारिथिबा कहिथिबा बेले यूक्रेन दाबी करिछि रूस 11000 सैन्य मृत्यु हो तेबे आज कीव खार्किव मारियोपोल और सुमी सहर साधारण लोकों उद्धार पर सामयिक युद्ध विरति घोषणा करते पुतिन तेबे रूस और बेलारूस को मानवीय करिडर पर मस्कोर प्रस्ताव को अग्राह्य कर यूक्रेन मकसद एक ही है रूस का कि सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बर्बाद हो जाए जिससे कि यूक्रेन की लड़ने की जो काबिलियत जो क्षमता है उसको खत्म किया जाए वो रूस की मंशा है रूस राष्ट्रपति पुतिन कहते आलोचना हो युद्ध यूक्रेन आम कथा मानवा को बाध्य अन्य पक्ष यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की कहते आम तुमको भूलबुनि कि क्षमा देबुनि एभली स्थिति रे आज दुई विपरीतमुखी शक्ति को गोटे टेबुल को आने को प्रयास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन संकट प्रसंग रे फोन जोगे जेलेंस्की 35 मिनिट एवं पुतिन 50 मिनिट धरी आलोचना करी अवसर में शांति आलोचना द्वारा विवाद समाधान उपरे गुरुत्वारोप करने उभय राष्ट्रमुख्य परस्पर सह सीधासल कथा अनुरोध कर एथिसह भारतीयों को उद्धार करिबारे सहायता जोगाई थिबारु उभयों को धन्यवाद जनाइछंती मोदी भारत का मानना यह है कि किसी तरह से डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ये बात खत्म हो जानी चाहिए युद्ध का कोई विकल्प सिर्फ शांति है और यही भारत कह रहा है और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे जो 20,000 लोग वहाँ पर फंसे हुए थे उसमें से काफ़ी वापस आ गए फिर भी 1700-1800 लोग अभी बचे हुए हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है और यदि भारत किसी तरह मदद कर सकता है इसमें तो मेरा ख्याल है कि भारत ने ये ऑफर किया होगा यूक्रेन रे फसिथिबा भारतीयों को उद्धार पाई प्राय 10 दिन धरी चालीथिबा ऑपरेशन गंगा शेष पर्याय रे पहुंची छि 20,000 रु एबे सुधा 16,000 भारतीय स्वदेश फेरिथिबा बेले 3,000 यूक्रेन रो पड़ोसी देश रे अछंती एवं 600 छात्र-छात्री सुमी रे फसि रहिछंती सेमानंकु उद्धार पाई दूतावास पक्षरु प्रयास चालीथिबा कहिछंती वैदेशिक राष्ट्रमंत्री वी मुरलीधरन सेबडे आजि भारत फेरिछंती कीब्रे एकाधिक गुलीमाड़े आहत होइथिबा डाक्टरी छात्र हरजोत सिंह पोलांड्रु केन्द्रमंत्री वीके सिंह को सह वायुसेनार विमान रे आसी से हिंडन एयरबेस रे ओल्हाइछंती इनमें सर मुझे पक्का पता नहीं कि अभी वहां पे जाके मैं बोर्डिंग करते वक्त वीडियो बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा बट अभी तक का ये सफ़र हार्ड था बहुत हार्ड था बट एक दिल में उमंग थी कि जाना है तो बस जाना ही अपने देश वापस सिंस द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ऑलमोस्ट विद इन द लास्ट 10 to 12 डेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज़ बीन एबल टू शिफ्ट ऑलमोस्ट द एंटायर और आई कैन से 80% ऑफ द Indian population in Ukraine. So we do hope that in the coming days the rest of the people will also be shifted. Belarus simare aji Ukraine Rus trutiya parjay alochana hebo. Hele International Court of Justice re Ukraine anithiba abhijog mamla ro shunani re bhago nebaku Rus siddha mana kari deichi. Bureau report.